वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम शूट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन नेचुरल लाइट विद बेसिक गियर्स यानी कि बेसिक DSLR और बेसिक लेंस के साथ में इसे हम शूट करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर आपके पास में बेसिक गियर्स हैं या फिर आपके पास में कोई भी स्टूडियो नहीं है तो भी आप एक प्रोफेशनल क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो अचीव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो शूट है वो मैं नहीं करूंगा बल्कि हमारे एक स्टूडेंट हैं प्रीतम जो यहाँ फैशन फोटोग्राफी सीख रहे हैं वो आज ये शूट करने जा रहे हैं। प्रीतम को आपने हमारे लास्ट के कुछ शूट्स में देखा होगा एज अ मॉडल, लेकिन एक्चुअली वो एक फोटोग्राफी स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज प्रीतम क्या करने वाले हैं, प्रीतम जो है अपने गियर्स यूज़ करेंगे, यानी कि प्रीतम के पास जो है 1100D का कैनन का बेसिक एंट्री लेवल DSLR है, साथ में जो इनका किट लेंस है वो है 75-300mm का जूम लेंस जिसके साथ ये शूट करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास में बिल्कुल बेसिक्स गियर हैं और आपको अगर फोटोग्राफी लाइटिंग का नॉलेज है तो आप बिल्कुल नेचुरल लाइट में भी जो है प्रोफेशनल क्वालिटी की इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के शूट्स के लिए आपके पास में बहुत महंगे सामान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एक वाइट कलर की जो है आप देख रहे हो ये ड्राइंग शीट्स होती हैं जो कि बच्चों के काम आती है क्राफ्ट के अंदर, ये आपको 5 से 10 रुपये में मिल जाती है। एक हम यूज़ कर रहे हैं सेलो टेप, उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के वो ताकि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। कैमरा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक DSLR है हमारे पास में 1100D और 75-300 का जो है जूम लेंस है। तो बस ये कुछ गियर हैं, साथ में ये आप वॉल देख पा रहे हैं, इस वॉल को जो है हम एक बेस बनाएंगे यहाँ पे ताकि इस पेपर को हम यहाँ पर एक पूरा छोटा सा स्टूडियो हम जो है नेचुरल लाइट में क्रिएट कर सकें। कोई भी एक्सटर्नल लाइट नहीं है, सिर्फ जो है सनलाइट जो इस वक्त अवेलेबल लाइट है उसमें ही हम शूट करेंगे। दोस्तों आपने देखा यहाँ हमने एक पूरा बेसिक सेटअप लगा लिया है, एक वाइट शीट को हमने इस तरह से लगाया है। तो ये एक तरह का आपका जो है आउटडोर स्टूडियो रेडी हो गया बगैर किसी लाइट के और बिल्कुल नेचुरल लाइट यहाँ पर आ रही है। ध्यान रखिए कि जब आप ये सेटअप पूरा कर ले तो यहाँ कई बार डस्ट रहती है तो उस डस्ट को आपको हटाना है ताकि आपका जो नीचे का बेस है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ हम कुछ प्रोडक्ट रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख पा रहे हैं एक शावर जेल है, तो शावर जेल का हम एक पहले पिक्चर लेंगे। सो आर यू रेडी? ठीक है, तो आप प्रीत आज यूज़ कर रहे हो अपना बेसिक DSLR N75-300। ठीक है, तो जैसा हमने अभी क्लास किया था कल ही, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है करेक्ट फोकस एंड द राइट फ्रेमिंग। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रीत जो है किस तरह के पिक्चर्स लेता है यहाँ पे।
तो दोस्तों आपने देखा, आपने रिजल्ट्स देखे और उम्मीद है आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल बेसिक DSLR पे इन्होंने शूट किया और बेसिक लेंस के ऊपर शूट किया। तो इस वीडियो से जो है हम सिर्फ आपको यही कन्वे करना चाहते हैं कि अगर आपके पास में एज अ बिगनर बहुत ज़्यादा एडवांस गेयर नहीं है, तो भी आप जो है अगर लाइटिंग की आपको अच्छी नॉलेज रहेगी, आपको अगर ठीक से सेटअप लगाना आता होगा और आपका एक्सपोजर ट्रायंगल परफेक्ट होगा और आपका फोकस पॉइंट्स अगर आपके अच्छे होंगे यानी कि करेक्ट होंगे शूट करते वक्त, तो भी आप एकदम क्रिस्पी शार्प इमेजेस एज गुड एज द प्रोफेशनल इमेजेस आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। कितनी अच्छी पिक्चर्स हमको जो है यहाँ मिली हैं और वो भी जो है हमने बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ में अचीव की है। सो थैंक्स टू प्रीतम। प्रीतम जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा शूट किया और उम्मीद है एज अ बिगनर आप लोगों को भी काफ़ी इससे सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।